सुशांत सिंह राजपूत का केस अब सिर्फ सोशल या पॉलिटिकल नहीं रह गया है, बल्कि हर एक इंसान के लिए इट इज अ पर्सनल केस नाउ। जी हाँ, हर किसी ने अपना सुशांत सिंह राजपूत खो दिया है, इस तरह की फीलिंग आ रही है। और ऐसे में फैमिली पर क्या बीत रही है ये हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन उनके फादर ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको मैं बताती हूँ। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने हाल ही में जब फैमिली ने अपनी तरफ से एक 9 पेज का लेटर इशू किया, उसमें एक बहुत गहरी बात लिखी थी। उनके पापा का कहना है कि ये जो चीजें हो रही है उसके बावजूद हमें सबक सिखाने की धमकी दी जा रही है, इस तरह की बातें हो रही है, हमसे हमारा बेटा छीनकर उन्हें शांति नहीं मिली। ये सब कहने के बावजूद एक ऐसी लाइन थी जो उनके फादर ने कही जो शायद हर किसी को चुभ जाएगी, और वो ये है कि मेरी चिता को अग्नि देने वाला भी कोई नहीं बचा। जी हाँ, इस तरह का एक बात इस तरह की सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने कही है, मिस्टर के सिंह ने। अगर एक एक इंसान हिंदुस्तान के एक एक इंसान के लिए, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर के काफ़ी लोग हैं ऐसे अलग अलग शहरों में, हर किसी के लिए सुशांत की मौत अगर इतनी पर्सनल है, तो सोचिए कि उस फैमिली का कैसा हाल होगा, वो फैमिली कैसे सफ़र कर रही है। और वो फैमिली सिर्फ इतना चाहती है कि क्लोजर मिले, ताकि एट द एंड, जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने कहा कि हमें क्लोजर चाहिए ताकि हम जिंदगी भर एक पीसफुल लाइफ जी सके, ये एटलीस्ट ये सोचकर कि ये हुआ था, वरना जिंदगी भर एक सवाल रह जाएगा दिमाग में कि आखिर हुआ क्या था। मैं आपको बता दूं कि सुशांत के फादर ने जो बात कही है कि मेरी चिता को अग्नि देने वाला भी कोई नहीं बचा, तो डेफिनेटली ये बातें जो है ये सुनकर हर किसी को तकलीफ पहुंचती है। और इस सभी चीज़ों से डील करने का इस वक्त एक ही तरीका है कि हम सब शांत ना बैठे और सुशांत सिंह राजपूत के लिए फाइट करें। एज अ व्यूअर, आपकी क्या कुछ है राय, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में।